एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइस, फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि यार बर्फ़ कब गिरेगी। सो फाइनली बर्फ़ गिर गई है। वैसे तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, बर्फ़ उसमें भी गिर गई थी उस टाइम, पर उतनी ज़्यादा नहीं गिरी थी, बस थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी थी। जो इस बार बर्फ़ गिरी है वो कम से कम 2.5-3 फुट बर्फ़ गिरी है। यहाँ पर मेरे घर पर 2.5-3 फुट बर्फ़ गिरी है। क्या पता कहीं और इससे भी ज़्यादा बर्फ़ गिरी होगी, पर यहाँ पर 2.5-3 फुट बर्फ़ गिरी है। और बाहर इतना सुंदर व्यू लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जहाँ तक आप देखोगे वाइट ही वाइट लग रहा है, हर जगह वाइट वाइट। बस एक प्रॉब्लम है कि लाइट चली गई है। अब ये पता नहीं कि लाइट कब तक आएगी। बोल रहे कि आज वापस आ सकती है लाइट, अब बाकी पता नहीं। तो बस एक ही दुख है कि लाइट चली गई है, बाकी बहुत खुशी हो रही है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है और बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ कि कैसा व्यू लग रहा है। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरी है मतलब, और अच्छा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। पे छत से जितना भी बर्फ़ गिरता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया है और रास्ता भी बंद हो गया है। और आप देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है कि गाड़ी भी बर्फ़ के नीचे दब गई है, थोड़ी बहुत ही दिख रही है। और यहाँ पर मैं, मेरा छोटा कज़न और मेरे भाई का बेटा बर्फ़ के बीच खेल रहे हैं। मैं उनको बार बार बर्फ़ के बीच गिरा रही हूँ और उठा रही हूँ। अब मैं और भाभी यहाँ पर एक स्नोमैन बना रहे हैं। हमें उतना अच्छा बनाना आता तो नहीं है, पर फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि एक स्नोमैन बना देते हैं। बेचारे क्लिप्स भी काटे कर दी। सो फाइनली हमने स्नोमैन बना दिया जितना हमें बनाना आता था। हमें इतना ही बनाना आता था तो हमने इतना ही बनाया है। क्या लगाना? और अब हम इसके साथ यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं। और जो ये पीछे है ये मेरा छोटा कजन ही बोल रहा है कि मुझे भी फोटो खिंचवा। वाह, समझ लग रहा है, सुंदर लग रहा है।
लाइट नहीं लग रही यार, बाकी लग रहा बेरम बेरम मेरी भी खींच रही है। और यहाँ पे हमने बनाया है एक और छोटा स्नोमैन। सो अब हम लोग आए थे घूमने स्कूल के पास, यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे बर्फ में और यहाँ का व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर था। गाइस अभी हम लोग आए थे बिजलीधार बर्फ से खेलने के लिए, मैं गुड़िया और मेरे चाचू का बेटा आया था और हम लोग बहुत ज़्यादा खेले बर्फ के साथ। और ये है गुड़िया और ये है आरव और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा और बर्फ भी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। अब ये रो रहा है क्योंकि ये खुद से पैदल नहीं चलेगा, अब इसको मैं या गुड़िया उठा के ले जाएंगे। ओके सो अब गुड़िया क्या आरव को उठा के चलिए, अब थोड़ी देर में ये मेरी टर्न है इसको उठाने की क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया है और ये बहुत ज़्यादा गीला भी हो गया है तो इसको ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है और बर्फ़ तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा है, यू कैन सी, देखो बर्फ़ बहुत ज़्यादा है पर व्यू भाई साहब व्यू बहुत अच्छा है। और आरव और गुड़िया बहुत ज़्यादा भीग गए हैं और हमारी हालत बहुत ही ख़राब है, पर हम में से सबसे ज़्यादा जो भीगा वो आरव है क्योंकि कभी कहीं बैठा था कभी कहीं बैठा था बर्फ़ के बीच तो बहुत ज़्यादा भीग गया है। तो अब इसको हम घर पहुंचाते हैं सबसे पहले। अब बारी है शीतल लिपटा की और मैं इसको उठा रही हूँ बहुत बारी। हाँ। चलो चलो और इसका पजामा भी पूरा गिल्ला है। अब नहीं आएगा ये, अब नहीं आना ये। हाँ तो बोला अभी ले जा रहे फिर बाद में पर इसे उठा के लाना पड़ेगा। ये है आरव लिपटा और ये सबसे गंदा बच्चा है, पहले इसने बोला कि मैं खुद चल के आऊंगा और हम इसे विश्वास के साथ अपने साथ ले गए और इसने हमारे साथ विश्वासघात किया। ये हमारी पीने की बावड़ी है, अब इससे बहुत कम लोग पानी पीते हैं क्योंकि ये टूट चुकी है।